नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। बहुत जल्द बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से छठे चरण की बात करें या फिर सातवें चरण की, लगातार जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बहाली हो, और उनका कहना है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की जाए। और इसको लेकर वो अक्सर सड़क पर भी उतरते हैं और सरकार के सामने अपनी मांग रखते हैं। लेकिन अब उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों ने ही ये ऐलान किया है, दोनों ने ही ये आदेश दे दिया है कि बिहार में बहुत जल्द लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। हम बात अगर मुख्यमंत्री की करें या फिर उप मुख्यमंत्री की, कल एक बैठक हुई थी जिसमें ये आदेश अधिकारियों को दिया गया कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग 2 लाख शिक्षकों की बहाली करे, जिसकी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं तय समय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से अविलंब शिक्षकों के 2 लाख रिक्त पदों की बहाली करने का निर्देश दिया है, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। तो अब बहुत जल्द बिहार में जो है लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथ ही बता दें कि राज्य में सर्वाधिक नौकरियां जो है सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग ही देगा। कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के लगभग 2.5 लाख खाली पद को भरे जाएंगे। दिसंबर तक नई रिक्ति आने की संभावना है। बहाली प्रक्रिया नई नियमावली से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा के निर्देश दिया कि शिक्षकों के सभी पदों को जल्द भरे, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी स्कूल में शुरू किए गए उन्नयन बिहार कार्यक्रम ठीक ढंग से लागू हो, ताकि छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सके। इस कार्यक्रम के तहत उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के तहत शुरू की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से लागू करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही बता दें कि छात्र छात्राओं के बीच इस योजना का बखूबी प्रचार प्रसार होना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र ने शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए 2022-23 में राज्य को दी जाने वाली केंद्रांश राशि अभी तक नहीं दी है। इस पर सीएम ने निर्देश दिया है कि केंद्र को फिर से पत्र लिखें। ST SC और साथ ही अति पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। प्रारंभिक से उच्च और उच्चतर माध्यमिक 82,000 स्कूलों में अभी लगभग 4.42 लाख शिक्षक हैं, यानी कि 4,82,000, और प्राथमिक स्कूलों में 3.60 यानी कि 3,60,000 नियोजित और 40,000 वेतनमान पर नियमित शिक्षक है। वहीं उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,000 नियोजित शिक्षक है, जबकि 5,000 पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक है। तो अब जल्द से जल्द इनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि लगभग 2.25 लाख जो है शिक्षकों की बहाली की जाएगी। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।